नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खबरें अब तक का। आज खबरें अब तक में बात होगी बहराइच हिंसा में आए नए अपडेट और प्रशासन पर उठे सवाल की। झारखंड में भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरे की और देश में बढ़ती एयरपोर्ट और फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियों की, इन सभी पर विस्तार से होगी चर्चा। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। बहराइच हिंसा में एसपी ने बताई एनकाउंटर की पूरी कहानी। राम गोपाल की हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए। नांदेड़ सीट पर कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार, दिवंगत सांसद के बेटे को मिला टिकट। ट्रूडो सरकार पर भारत का वार कहा, हमने लॉरेंस गैंग के लोगों की गिरफ्तारी की मांग की, कनाडा ने कुछ नहीं किया। बिहार में शराबबंदी पर, जहरीली शराब पर कुछ नहीं कहते, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एनडीए सरकार को पूरे मामले पर घेरा। बांग्लादेश के न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के खिलाफ वारंट जारी किया, 18 नवंबर तक गिरफ्तारी के दिए आदेश। एक ही दिन में बजाज ऑटो के शेयर 13% से ज्यादा टूटे, दिवाली से पहले बड़ी गिरावट। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई 2 तारीख को होगी। बहराइच एनकाउंटर पर शुरू हुई राजनीति, अखिलेश यादव बोले यहां न्याय व्यवस्था कहां है, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। शरद पवार का दावा, हरियाणा चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा कोई असर। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है, वक्त है खास रिपोर्ट्स का। उत्तर प्रदेश में बहराइच के महाराजगंज में हुए हत्याकांड में 2 मुख्य आरोपियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए हैं, उनके पैरों में गोली लगी है। इस झड़प में नानपारा कोतवाली के बाईपास पर यह पूरी झड़प हुई। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि हांडा बसेहरी नगर के पास का ये पूरा मामला है। हालांकि पुलिस की तरफ से मौत की पुष्टि को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि इस झड़प में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, आरोपियों से झड़प हुई है। दावा किया जा रहा है कि जब राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी, उस दौरान घर में 6 लोग मौजूद थे, जिसमें से 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है। उनका नाम फहीम और तालिब बताया जा रहा है, फिलहाल वो घायल है। वहीं बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर रासुका लगाई जाएगी। दरअसल बहराइच के महाराजगंज में रविवार शाम को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल में रामगोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने जिले में जमकर उत्पात मचाया था। मंगलवार और बुधवार को जिले में शांति रही, बृहस्पतिवार को महाराजगंज इलाके में इंटरनेट बहाल कर दिया गया। देखा जाए तो बहराइच हिंसा के बाद से ही प्रशासन पर कानून व्यवस्था बहाल करने का दबाव था। पुलिस की यह कार्यवाही इसे नियंत्रण में लाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। हालांकि कुछ लोगों ने इस झड़प पर सवाल भी उठाए हैं। हालांकि जब तक कुछ आधिकारिक रूप से सामने नहीं आता, कुछ भी कहना मुश्किल होगा। फिलहाल इसी के साथ रुख करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट का। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, अपने गठबंधन की सरकार के साथ राज्य में सत्ता में हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री पद का चेहरा देगी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी से यही पूछा कि बीजेपी में सीएम पद का चेहरा कौन होगा, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन या मधु कोड़ा। दरअसल बीजेपी ने अब तक अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जिससे राजनीतिक हलकों में कयासों का दौर चल रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार सामूहिक नेतृत्व की रणनीति पर चुनाव में उतर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम संभावित चेहरों में सबसे आगे है, जो राज्य के पहले 11 आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में 2014 से 2019 तक बीजेपी ने झारखंड में सरकार चलाई। वहीं उम्मीदवारों में अर्जुन मुंडा का नाम भी प्रमुख है। अर्जुन मुंडा आदिवासी समुदाय से आते हैं और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल वो केंद्रीय मंत्री के पद पर हैं। उनका नाम आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी का नाम भी चर्चाओं में है। यानी कि देखा जाए तो रणनीति के हिसाब से बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती हेमंत सोरेन की सरकार को सत्ता से बाहर करना है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। सोरेन की लोकप्रियता खासकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत है। ऐसे में बीजेपी के लिए आदिवासी समुदाय में सेंध लगाने के लिए अर्जुन मुंडा जैसे चेहरे पर दाव लगाना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि बीजेपी किसे चुनती है, ये देखने वाली बात होगी।
इसी के साथ रुख करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट का। भारत में पिछले 3 दिनों में भारत में विमानों को लेकर 18 बार बम की धमकियां मिली हैं, जिसमें हवाई अड्डों और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। इन धमकियों के चलते कई उड़ानों में देरी हुई, कुछ को रोकना भी पड़ा और हवाई अड्डों पर कड़ी सुरक्षा जांच की गई। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में हवाई अड्डों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बुधवार को कुल मिलाकर 6 विमानों में ऐसी धमकियां मिली। पिछले 3 दिनों में 18 बार ऐसा हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि एक के बाद एक विमानों में आखिर बम की धमकी देने वाला कौन है। मुंबई पुलिस ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के एक युवक को हिरासत में लिया है। इसने 3 विमानों को बम की धमकी देने के लिए फर्जी कॉल किया था। जांच में पता चला कि इस युवक की पैसे को लेकर अपने दोस्त से दुश्मनी थी और इसी को लेकर उसने अपने दोस्त के फोन का इस्तेमाल करते हुए धमकी वाली सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी। किशोर को हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड को सौंप दिया गया है। हालांकि अब तक किसी भी धमकी के बाद असली बम या विस्फोटक कहीं नहीं मिला है। सुरक्षा एजेंसियां इन घटनाओं की जांच कर रही है। वहीं देखा जाए तो देश भर में इन दिनों लगातार एयरपोर्ट और विमानों को बम से उड़ाने की धमकियों में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि केंद्र सरकार के लिए चुनौती के तौर पर बनकर सामने आई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने देश भर के हवाई अड्डों से आने वाली उड़ानों में स्काई मार्शल की संख्या दोगुनी करने का फैसला कर लिया है। इस मामले में गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि एयरपोर्ट और विमानों में बढ़ते खतरे के आकलन और खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद स्काई मार्शल की संख्या दोगुनी करने का फैसला ले लिया गया है। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक चर्चा में निर्णय लिया गया है कि एजेंसियां साथ मिलकर धमकी देने वालों की पहचान करेंगी और उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया जाएगा। फिलहाल ये तो थी खबर अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा एक खास मुद्दे पर भी आपसे जरूर करेंगे बात। चुनाव दर चुनाव उम्र खत्म होने लगी पर माथे की शिकन जाती नहीं, रूखी रोटी सूखी चूरी पीछा नहीं छोड़ती। कहने का मतलब साफ है कि चुनाव आते हैं जाते हैं मगर लोगों की समस्याएं वहीं रहती हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी विधानसभा चुनावों में आना आम आदमी की उम्मीदें सरकारों से जुड़ी हुई कई मुद्दों पर टिकी हुई हैं। दोनों राज्यों में जनता की प्राथमिकताएं लगभग एक हैं, जिसमें विकास, रोजगार, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं में सुधार शामिल है। महाराष्ट्र में लोग जहां बेहतर सड़कों, बिजली और पानी की उपलब्धता की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं झारखंड में भी बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग है। जहां आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और बिजली की सुविधा को लेकर उम्मीदें हैं, कुल मिलाकर महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में आम आदमी की उम्मीदें सीधे सीधे उनके जीवन से जुड़े मुद्दों पर आधारित है। विकास, रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे विषयों पर ध्यान देना है। राजनीतिक दलों के लिए सफलता की कुंजी भी यही हो सकती है। जनता चाहती है कि इस बार चुनावी वादे सिर्फ कागजों पर ना रहें बल्कि जमीन पर भी दिखे, मगर पार्टियां ऐसा कर पाएंगी? जनता की उम्मीदें बस धरी रह जाएंगी? इस बार क्या होगा, यही बड़ा सवाल है। फिलहाल खबर अब तक में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।